नागपुर के पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने नागपुर के हवाला कारोबारी पर कार्रवाई कर हवाला व्यापारियों में हड़कंप मचा दी है। वहीं अब ये कार्रवाई करने के बाद अधिवक्ता तरुण परमार ने पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने के सुरक्षा में बढ़ोतरी करने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई करने के बाद हवाला कारोबारी बौखलाए हुए है, जिससे वो कोई भी अनुचित घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए गजानन राजमाने जैसे ईमानदार अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ऐसी मांग उन्होंने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से की है। नागपुर में पिछले कई सालों से हवाला का कारोबार चल रहा है। सरकारी अधिकारियों के आशीर्वाद से ये कारोबार फलता और फूलता भी जा रहा है, लेकिन जैसे ही गजानन राजमाने जैसे ईमानदार अधिकारी की बदली ऐसे एरिया में हुई जहां सबसे ज्यादा हवाला का कारोबार चलता है, तो हवाला कारोबारी सकते में आ गए। अपने बदली के शुरुआती दिनों में राजमाने इन्होंने हवाला कारोबारियों पर सीधा एक्शन लेकर हवाले के 84 लाख रुपए बरामद किए। इस कार्रवाई के बाद हवाला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही शहर के अधिवक्ता तरुण परमार, जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने गजानन राजमाने के इतने बड़े कार्रवाई के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ता तरुण परमार ने ये मांग की है। वहीं उन्होंने पत्र में लिखा है कि नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के छत्रछाया में नागपुर में हवाला कारोबार पनप रहा है, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। नागपुर में हवाला कारोबारियों में ज्यादातर क्रिकेट बुकी, सट्टा और जुआ चलाने वाले लोग शामिल हैं। वहीं गजानन राजमाने के इस कार्रवाई से हवाला कारोबारियों में खौफ बढ़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नागपुर के भूतड़ा चेंबर में कार्रवाई करने के बाद पुलिस को वहां लॉकर मिले। कार्रवाई कर पुलिस विभाग ने आयकर विभाग को जांच सौंपी, लेकिन हवाला कारोबारियों की ना ही लॉकर सील की गई, ना ही बिल्डिंग को सील किया गया। नागपुर शहर में सालों से ये हवाला का काला कारोबार पनप रहा है। इस व्यापार में पाकिस्तान से वीजा पर आए लोग भी शामिल है। वही इस हवाला कारोबार का सीधा संबंध पाकिस्तान और दुबई से है। पाकिस्तान से वीजा पर नागपुर आए कई लोग वीजा खत्म होने के बावजूद नागपुर में ही व्यापार कर रहे हैं। वही यह लोग शहर में आकर राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बना रहे हैं और अवैध तरीके से नागपुर में स्थायी होकर हवाले का काम चला रहे हैं। नागपुर का इतवारी परिसर हवाले के पैसों का हब बनता जा रहा है। नागपुर शहर में कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शहर में वीजा पर आए और अवैध तरीके से यही बस गए। वहीं इनमें से जो लोग हवाला जैसे गैर कानूनी काम करते हैं, उन्होंने नागपुर में अपनी कई मंजिला घर, प्लॉट और करोड़ों की संपत्ति बना ली है, जिनकी जांच होना जरूरी है, अन्यथा शहर में ऐसे ही हवाले का कारोबार पनपता जाएगा।